कैसे हैं आप? आज बड़ी खुशी का दिन है, आज 19 तारीख है और आज एक ख़ास मौका है जो हम लोग तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ में ये हैदर अली डॉक्टर अफसर साहब हैं और ये जफर बाबू हैं। सारे लोग जो तैयार हैं ये हैं सैफुल्ला बाबू, ये सैफुल्ला डीलर के नाम से मशहूर हैं। आज जो है ख़ास दिन है, राजू बाबू की आज शादी का दिन है और तमाम लोग उनकी दुल्हन को रुख्सती करा करके लाने के लिए तमाम लोग तैयार होकर के निस्ता से बर्री कोठी के लिए रवाना हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये हैं अजमी बाबू उनके भाई और ये हमारे अब्दुल मन्नान भाई हैं, ये भी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं हम लोगों की। ये मुन्ना बाबू हैं, देखिए सब लोग तैयार हैं बराती। ये मिराज बाबू हैं, सब लोग तैयार हैं, खुशी का दिन है, सब लोग राजू बाबू की दुल्हन को रुख्सती कराने के लिए जा रहे हैं। बारात बन करके वहाँ खाना खाएंगे और सब लोग शाम में वापस आएंगे। तो वीडियो में आप बने रहें, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल द सदरे शो को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो में बने रहें दोस्तों, कंटिन्यू मैं आगे और भी चीज़ें दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गाड़ी है, इसमें डॉक्टर अफसर साहब, फहद बाबू, ताज सर, जफर बाबू सब लोग बैठेंगे और आहिल रजा भी बैठेंगे, आतिफ भी हैं। ये हमारे भाई डॉक्टर साहब के भाई हैं, उन्हीं की ये गाड़ी है, देखिए इसी में हम लोग बैठ रहे हैं। ये देखिए राजू बाबू तैयार होकर के निकल चुके हैं, गाड़ी इनकी कितनी खूबसूरती से सजाया है। इनाम डेकोरेटर है जो दरभंगा से आए हुए हैं, देखिए राजू बाबू की गाड़ी कितनी खूबसूरती से सजाया है। अब हम लोग भी रेडी हैं, अब बारात निकलेगी। ये एजाज भाई है, निकलिए जी जी। देखिए इस गाड़ी में हम हैं डॉक्टर अफसर साहब, जफर बाबू और ये ताज सर हैं और फहद बाबू हैं। देखिए सभी लोग जो है राजू बाबू की बारात जा रहे हैं, बर्री कोठी जा रहे हैं हम लोग, निस्ता टू बर्री कोठी। और काफ़ी ताखिर हो चुकी है, लड़की वाले लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि अभी तक बारात पहुँची कि नहीं, चूँकि दूल्हा बाबू को तैयार होने में ही लेट हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब तक दूल्हा बाबू नहीं जाएंगे हम लोग कैसे जाएंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं फाइनली और मस्जिद के पास आकर के गाड़ी रुकी है, मैं दिखला रहा हूँ, वीडियो में आप बने रहें। देखिए ये गाड़ी सब लगी हुई है मस्जिद के पास। गाइज ये निस्ता जामा मस्जिद के पास से फाइनली हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि हम लोग बारात के लिए फाइनली निकल चुके हैं, चूँकि काफ़ी ताखिर हो रही थी और तमाम गाड़ियाँ कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, इधर ही से चलिए इस साइड से। ये डॉक्टर हसनाथ साहब की पुरानी बैठने की जगह थी, देखिए वो दुनिया से जा चुके हैं और बैठने की जगह ये हम लोग जा रहे हैं। फहद बाबू के घर से करीब से गुजर रहे हैं, ये मुखिया जी का नया मकान है और ये गलटोली होकर के गुजर रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आप बने रहें और कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाएं, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो कहां से हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बतलाएं। आगे भी मैं और भी वीडियो दिखलाऊंगा शादी ब्लॉग जो है। तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल द सदरे शो को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, शुक्रिया दोस्तों। अभी हम लोग NH 57 पे हैं और मेरे साथ में देख सकते हैं तमाम लोग बैठे हुए हैं जो बारात जा रहे हैं। राजू बाबू की शादी है आज और इस हाईवे का वीडियो मैं दिखलाना चाह रहा हूँ लोगों को। पहले काफ़ी खूबसूरत था लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इस हाईवे की हालत जो है दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है, रिपेयरिंग।
मॉनिटरिंग का काम भी एक तरफ से चल रहा है, वीडियो में आप बने रहे। देखिए ये NH57 है जो ये मुजफ्फरपुर के लिए निकला हुआ है, आप देख सकते हैं बीच में कई जगह जो है आपको टूटा हुआ मिलेगा ही है, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत NH है। ये बिहार में ये NH काफ़ी खूबसूरत माना जाता है, NH57। इसकी खूबसूरती इसलिए मानी जाती है कि आप बीच में देख सकते हैं दोनों हाईवे के बीच में एक गार्डन टाइप का बना हुआ है जो तरह तरह के फूल लगाए गए हैं, देख सकते हैं वीडियो में। इसकी वजह से ये NH57 को काफ़ी खूबसूरत माना जाता है, और जो भी कमियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, इंतज़ार करना चाहिए हम लोगों को भी, और कर भी क्या सकते हैं इंतज़ार के अलावा। क्या आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए सफर वाले। आज जो बारात जा रहे हैं इसके बारे में कुछ बताइए। बारात कहाँ जा रहे हैं, देख रहे टाइम से बगैर टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, कब खाना खाएगा, कब वापस आएगा, यानी बारात में काफी देरी है। काफी देरी क्या सर, ताज सर, ये ताज सर मुस्कुरा रहे हैं, फहद बाबू है, और मतलब सब लोगों का ये कहना है कि बारात में काफी ताखीर हो गई है। खैर कोई बात नहीं, बारात का मतलब ही है ताखीर से जाना, इंतज़ार करवाना, क्योंकि आज के दिन जो लड़के वाले होते हैं वो शहंशाह होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और भी आगे दिखलाने की कोशिश करूंगा मैं, तो वीडियो में आप बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। गाइस अभी हम लोग बेनीबाद मोड़ पे हैं, ये देख सकते हैं ये बेनीबाद चौक है ये, और ये जफर बाबू हैं डॉक्टर साहब। देखिए सब लोग पहले से, एक बारात की गाड़ी यहाँ पे ठहरी हुई है जो भरवारा से बारात आई है, सब लोगों को जाना है। ये बर्री कोठी का रास्ता है, ये बेनीबाद है, ये और भी गाड़ियों का इंतज़ार हो रहा है। देखिए ये बेनीबाद, बच्चे लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि दूल्हा बाबू की गाड़ी पीछे है और लगभग आ ही चुकी है दूल्हा बाबू की गाड़ी मेरे वीडियो में। आप दूल्हा बाबू की गाड़ी जो है, दूल्हा बाबू की जो है पहुंच चुकी है, और बाराती की गाड़ी भी आ ही रही है। यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें हाफिज़ फिरोज साहब हैं बैठे हुए, ये देखिए नाश्ता जो है बट रहा है। ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, कम आदमी। Thank you.
शान लग रहा गीशान लग रहा गूला ताजी से गिरा शीशान लग रहा गुल बाबू सभी साहब बाद में मुबारकबादियाँ दीजिएगा और लीजिएगा शेर सुन लीजिए शादी का मौसम है माशाअल्लाह खुशी का मकाम है सारे मोहब्बत तेज फरमाए दूल्हा का जी से गेरा शीशान लग रहा है दूल्हा का जी से गेरा दूल्हा का जी से गेरा शीशान लग रहा लग रहा ये सदकाए महबूबे ये सदकाए महबूबे सुभान लग रहा ये सदकाए बहू होटल है का क्या मंगवाना है ए छोटू जफर क्या ले रहे हो चलिए देखिए ये हाफिज साहब जी हैं सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं।